दरअसल नवरात्रि की महाअष्टमी पर उज्जैन के 24 खंबा माता मंदिर में पूजन की परंपरा है। यहाँ से नगर की सुख समृद्धि के लिए नगर पूजा का श्री गणेश होता है, लिहाजा महाअष्टमी पर सुबह से ही यहाँ भक्तों का तांता लगता है। मान्यता है कि उज्जैन के महान सम्राट विक्रमादित्य ने शहर की सुख समृद्धि के लिए नगर पूजा की शुरुआत की थी। अब इस परंपरा को जिला प्रशासन और निरंजनी अखाड़ा निर्वाह करता है। शनिवार को निरंजनी अखाड़े के महंत रविंद्र गिरी ने यहां माता को मदिरा का भोग लगाया और महाआरती की। महाअष्टमी पर देवी महामाया और महालाया को ढोल नगाड़ों के साथ मदिरा की धारा लगाई गई। इस पूजा में लगभग 28 किलोमीटर तक मदिरा की धारा लगाई जाती है, जो शहर के तमाम देवी और भैरव मंदिरों में जाती है। इस महापूजा में कई श्रद्धालु पैदल चलते हैं। इस यात्रा की खास बात यह होती है कि एक घड़े में मदिरा को भरा जाता है, जिसमें नीचे छेद होता है, जिससे पूरी यात्रा के दौरान सड़क मार्ग व देवी मंदिरों में मदिरा की धारा बहाई जाती है। आज आप ये देख रहे हैं, हमारे साथ सभी साधु संत जगत है भगत है, आप मीडिया के भाई है, और आज जो है महाअष्टमी का दिन है और आज माता जी का पूजन हुआ है। परंतु यहाँ का जो पूजन है, ये आपने देखा होगा, ऐसा पूजन पूरे विश्व में नहीं है जो पूजन उज्जैन में हो रहा है। अब आप पूछेंगे कि नया क्या है, क्योंकि ऐसा जो पूजा जो हो रही है, मदिरा के द्वारा माँ की पूजा हो रही है और पूरे उज्जैन शहर में मदिरा का जो धार चलती रहेगी, जो 28 किलोमीटर की धार मदिरा के द्वारा दी जाएगी, और हमारे साथ करीब एक छोटा हाथी जो है जिसमें मदिरा रखा गया है। तो ये जो पूजा है, ये महाराजा विक्रमादित्य ने इसकी शुरुआत की थी, उसी परंपरा को निभाते चले आ रहे हैं। यहाँ यही मांगा है, सभी सुखी रहे, सभी निरोग रहे, सर्वे बुद्ध सुखना, सर्वे सुध निरामया।